धमकाते हुए महिला के साथ मारपीट, घसीटते हुए सड़क किनारे खेत की फार्मेसिंग पोल से जबरन बांधने का कोशिश। सावर थाना क्षेत्र के कालिना कंवरजी गांव में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में महिला ने अपने ही चाचा के खिलाफ सावर पुलिस थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया है। मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें बीच सड़क पर महिला के साथ एक जना मारपीट करता हुआ दिख रहा है। कालिना कंवर निवासी विमला पुत्री दीवान मीना ने सावर पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि बुधवार शाम को वह अपने घर पर काम कर रही थी। इसी दौरान उसका चाचा छोटू लाल पुत्र सोहनपाल मीना जबरन घर में घुस गया और उसे घर व गांव से निकल जाने को कहा, धमकाते हुए महिला के साथ मारपीट की। मारपीट में महिला के चोटें भी आई है। इसके बाद पीड़ित महिला विमला जब रिपोर्ट दर्ज कराने सावर थाने जा रही थी, तो रास्ते में उसके चाचा छोटू लाल पुत्र सोहनपाल रुकवा कर रास्ता रोक कर दोबारा उसके साथ जमकर मारपीट की और पुलिस थाने नहीं जाने दिया। इस दौरान उसके चाचा ने उसे घसीटते हुए सड़क किनारे खेत की फार्मेसिंग पोल से जबरन बांधने का कोशिश भी की। इसके बाद देर शाम को सावर पुलिस थाने में महिला ने अपने चाचा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सावर थाना अधिकारी रामस्वरूप चौधरी ने बताया कि महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला के नहीं है माता पिता, पीड़ित महिला विमला के पिता की टीवी से पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं उसकी मां भी उसे छोड़कर काफी समय पहले नाता चली गई। पीड़ित महिला का ससुराल गणेशपुरा है। पति से अनबन के चलते वह गाँव ही रहती है। उसके तीन बहन है जो ससुराल रहती है। पीड़ित महिला के एक बच्चा है। पीड़ित महिला अकेली ही रहती है। बाइट रामस्वरूप चौधरी, थाना प्रभारी सावर। कल कलड़ा कुंवर जी निवासी विमला मीणा है, उसने अपने काका है छोटू मीणा उसके खिलाफ कोई मारपीट का मुकदमा कराया नहीं, तो पुराना जमीनी विवाद है। छोटू ने कल से घर जाकर और घर के बाद मारपीट की थी। इस पर विमला ने छोटू खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।